हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिटी हंटर। अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं आज जा रहा हूँ पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर सिंहगढ़ फोर्ट पे, और ऐसा माना जाता है कि ये फोर्ट हॉन्टेड है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आर्टिकल्स ने क्लेम किया है कि ये फोर्ट पुणे के टॉप 5 हॉन्टेड लोकेशंस में से एक माना जाता है। तो मैं आज ये देखने आया हूँ कि क्या इन बातों में सच्चाई है, क्या वाकई में ही इस फोर्ट में आत्माएं घूमती हैं, या ये भी बाकी ढेर सारे किस्सों की तरह फेक र्यूमर्स हैं। I just want to share something with you कि भूतों को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है यार। आई एम श्योर आपको वीडियो देख के लगता होगा कि बहुत आसान काम है, बस एक हॉन्टेड लोकेशन पे चले जाओ और टाइम स्पेंड कर दो। अब यहाँ उस फोर्ट पे जाने के लिए मुझे तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी टायरिंग है। एंड आई बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर ऊपर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सिंहगढ़ फोर्ट के ट्रैक को वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ट्रैक माना जाता है। वैसे तो फोर्ट तक गाड़ी भी जाती है, लेकिन ट्रैक करके जाने का मजा इज प्योर एंड ऑथेंटिक। ये ट्रैक जितना डेंजरस और थका देने वाला है, उतनी ही अमेजिंग यहाँ की सीनिक ब्यूटी है। बहुत ही क्रेजी, खतरनाक और थका देने वाली चढ़ाई के बाद मैं फाइनली पहुंच गया हूँ सिंहगढ़ फोर्ट के बाहर। अगर आसपास के गांव वालों की माने तो यहाँ की 2 हॉन्टेड स्टोरीज बहुत फेमस है। उनमें से एक ये है कि उन्होंने क्लेम किया है गांव वालों ने कि रात के समय पे उन्हें अक्सर इस फोर्ट से, इस किले से फौजियों के लड़ने की आवाज़ आती है, जैसे वॉर पे वॉर क्राइज होती हैं, उन्होंने वो सुनी है। और प्रॉब्लम यह है कि इस फोर्ट में 6 बजे के बाद किसी को भी रुकना अलाउड नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे अपने एक रात स्पेंड करूँ। परमिशंस मांग रहा हूँ, लेट्स सी, होपफुली वो मुझे मिल जाएंगी। उसके अलावा जो दूसरी कहानी है, हॉन्टेड स्टोरी यहाँ की फेमस है, वो मैं आपको बताऊंगा उसी स्पॉट पे जा। सिंहगढ़ फोर्ट 1500 से 2000 साल पुराना है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस जगह पे एक बहुत ही स्पूकी, एक क्रीपी सी वाइब तो ज़रूर है। इस जगह ने बहुत से वॉर्स देखे हैं, बहुत सी किंगडम्स को देखा है, इसलिए इसने बहुत सी डेथ्स भी देखी हैं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ की जो वाइब है वो काफ़ी क्रीपी वाइब है। कोई आदमी यहाँ पे अगर रात के समय पे रुकने की कोशिश करे या रुकता है तो आई एम श्योर उसे डर ज़रूर लगेगा। आज से कई साल पहले इस जगह पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। एक स्कूल पिकनिक इस फोर्ट पे आ रही थी और बच्चों से भरी बस इसी स्पॉट से नीचे गिर गई। तो मुझे लोकल्स ने बताया कि उसके बाद उन्होंने ये बाउंड्री वॉल बनाया इस रोड पे, और तब से ऐसा माना जाता है कि उन बच्चों की चिल्लाने की आवाज़, उनके दर्द में तड़पने की आवाज़ इस स्पॉट से लोगों को आती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ तक क्लेम किया है कि इसी स्पॉट पे उन्हें उन बच्चों की आत्माएं तक दिखाई देती हैं। खैर, मैं भी इस वक्त यहाँ पे हूँ और मुझे तो ना कोई आवाज़ आ रही है, ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बट लेट्स सी अगर अंधेरा होने के बाद कुछ पता चलता है तो। Thank you.
टाइम हो रहा है रात के 8:30, और मैं बैठा हूँ सीकर फोर्ट के मेन एंट्रेंस पे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। खैर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे इस फोर्ट के अंदर रात बिताने की परमिशन नहीं मिली। मुझसे बोला गया है कि मैं इसके मेन एंट्रेंस पे रुक सकता हूँ रात तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे तक, एंड इस फोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। खैर, जितनी भी स्टोरीज़ मैंने इंटरनेट पे पढ़ी इस जगह के बारे में, सब पे मेंशन था कि उनको रात को आवाज़ें आती हैं इस फोर्ट के अंदर से, और किसी भी स्टोरी में ये मेंशन नहीं था कि अंदर कोई दिखाई देता है। तो इस गेट पे आई एम वेरी श्योर कि अगर कोई आवाज़ होगी तो मुझे ज़रूर सुनाई देगी, और मेरा प्लान है कि मैं रात के 1 बजे तक यहीं रुकूंगा और बीच बीच में अपने EMF मीटर पे भी चेक करता रहूंगा अगर कोई रीडिंग आती है। एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है इस जगह पे। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर तक ना तो कोई गांव है ना कोई घर, काफ़ी आइसोलेटेड स्पॉट है ये। खैर, इस फोर्ट की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मुग़ल, अंग्रेज़, मराठा सब ने अपने अपने टाइम पे यहाँ राज किया है और इस फोर्ट ने ढेर सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, फोर्ट्स देखी हैं और अनगिनत डेथ्स देखी हैं। इस फोर्ट के ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, अजय देवगन की तानाजी। खैर, मुझे तो अभी तक अंदर से कोई आवाज़ आई नहीं है, बस वो जंगल के जुगनुओं के अलावा यहाँ पे और कोई आवाज़ नहीं है, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस है। रात के 12:30 बज गए हैं, ऑफिशियल भूतों का टाइम शुरू हो गया है, बट मुझे तो ना इस जगह से कोई आवाज़ आई और ना ही मेरे EMF मीटर पे कोई रीडिंग आई। खैर, इस एपिसोड को मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। मैंने बचपन से एक बात सुनी है कि अगर ऐसे किसी हॉन्टेड लोकेशन पे कोई आदमी 3 बार ब्लडी मैरी बोलता है तो ब्लडी मैरी उसके सामने आ जाती है। तो मैं ये आज पहली बार आई थिंक यहाँ ये ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स सी अगर कोई मुझे दिखाई देता है या ब्लडी मैरी प्रकट होती है तो। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। As expected, कोई नहीं आया। खैर, विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड आई विल बी बैक सून विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड।